इस बीच रेप के आरोपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और विदेश मंत्रालय से रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी और विदेश मंत्रालय के मुताबिक इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना पर 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप करने के आरोप लगे थे। इनसे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए थे। पुलिस के मुताबिक इसी के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था। खबरें आई कि जर्मनी में उसने अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया था, लेकिन अब उसे वापस लाने की कवायद तेज हो गई। इसके लिए प्रज्वल के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सामान्य पासपोर्ट से ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि जिसके पास ये पासपोर्ट होता है उसे दुनिया के 34 देशों में बगैर वीजा के जाने की सुविधा मिल जाती है। इन्हीं देशों में जर्मनी भी है जहां प्रज्वल रेवन्ना के होने का दावा किया जा रहा है। इन 34 देशों में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले आदमी को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो वो पूरे के पूरे सिस्टम को चकमा दे सकता है। अगर सरकार ने ये सुविधा दी है तो ये व्यवस्था भी की है कि इसका फायदा ना उठाया जाए, और वो है इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करना। मतलब अगर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द हो गया तो उन्हें किसी भी सूरत में भारत लौटना ही पड़ेगा क्योंकि भारत में नेताओं और अधिकारियों को मिलने वाले इस खास पासपोर्ट को हर 5 साल में रिन्यू करना होता है। और अगर किसी कोर्ट के आदेश के बाद कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होता है तो फिर उस आदमी को डिपोर्ट किया जाता है। मतलब अगर प्रज्वल रेवन्ना चाहे भी तो सिर्फ 6 महीने तक ही जर्मनी में छिपा रह सकता है क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच हुए समझौते के तहत वहाँ 6 महीने तक ही बगैर वीजा के रहने की इजाजत है। और अगर वो इससे ज्यादा वक्त तक जर्मनी में रुका तो वो वहाँ के कानून को तोड़ देगा। इसके बाद भारत और जर्मनी में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो सकता है क्योंकि इस संधि के तहत जर्मनी में मौजूद किसी भारतीय नागरिक को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने भारत के साथ जर्मनी में भी कोई अपराध किया हो। और माना जा रहा है कि इसी प्रत्यर्पण के डर की वजह से प्रज्वल रेवन्ना के दादा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने सोशल मीडिया पर उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने की नसीहत दी।